Hello students, how are you? Today we are going to learn general knowledge, standard 3rd. So students, today we teach about 9 number lessons, means of communications. जो communication होते हैं, दौर-दौर होते हैं, हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं संदेश वहाँ, तो किस तरह से करते हैं, वो आज देखेंगे, कौन से means से, इसके meanings, जैसे कि mobile से, क्योंकि mobile से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, हमें पता चलता है कि दूसरे गांव में क्या हुआ है मोबाइल से हमें जानकारी मिलती है अभी मोबाइल में हम सर्च भी कर सकते हैं गूगल द्वारा नेक्स्ट है न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है जो है कि वार्ता हमें मिलती है कि हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में जगह जगह पे क्या हुआ है तो न्यूज़ से हमें जानकारी मिलती है कंप्यूटर कंप्यूटर में हर टाइप से हम जो है कि कमेंट करते हैं जैसे कि हम क्या करते हैं वेब कैमरे से एक दूसरे से बात कर सकते हैं लाइव भी बात कर सकते हैं कंप्यूटर से हमें जानकारी भी मिलती है हम खोज भी कर सकते हैं बाकी देश में क्या चल रहा है हमें कंप्यूटर से पता चलता है फैक्स मशीन अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर भेजना होगा तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं फैक्स मशीन से हम उसका इस्तेमाल करके फैक्स कर देते हैं क्योंकि हम उस टाइम वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट नहीं भेज सकते तो फैक्स करने से दूसरी जगह पे वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है देन है टेलीविजन टेलीविजन से हम देखते हैं न्यूज भी देखते हैं साथ में जो है कि सॉन्ग भी सुन सकते हैं साथ में जो है कि हम मूवीज भी देखते हैं यानी आजू बाजू में क्या चल रहा है हमें टेलीविजन से पता चलता है टेलीफोन पहले के जमाने में मैक्सिमम टेलीफोन इस्तेमाल करते थे टेलीफोन से हम क्या करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं कम्युनिकेट होते हैं तो ये जो संदेश वहन की क्या है यहाँ पे हमें मीडिया दिए है माध्यम है कि किसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स फर्स्टली ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ जनरल नॉलेज उसमें जो है पेज नंबर 40 पे दिया है मींस ऑफ कम्युनिकेशन 9 नंबर का लेसन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपे मोबाइल का पिक्चर्स दिख रहा है वो ये वॉज अ डिफरेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट हम कम्युनिकेशन करने के लिए या दूसरे से कम्युनिकेट होने के लिए अलग अलग तरह के मींस माध्यम इस्तेमाल करते हैं गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के पिक्चर्स दिए है कैन यू नेम देम करेक्टली हमें यहाँ पे उसे नेम देना है तो स्टूडेंट्स जो है कि बॉटम साइड में हेल्प काउंटर दिया है उसमें लैपटॉप मोबाइल टेलीफोन फैक्स मशीन टेलीविजन न्यूज़पेपर कंप्यूटर ये नाम दिए है तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सी पिक्चर क्या है तो वहाँ पे हमें नाम लिखने उस पिक्चर की परफेक्टली यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स न्यूज़ टाइम ये जो है न्यूज़पेपर है जो सुबह सुबह हमारे घर में आता है इसे न्यूज़पेपर कहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूज़पेपर आपको लिखना है आपके नोटबुक में ये जो है टेलीविजन है स्टूडेंट्स ओके दूरदर्शन संच कहते हैं उसे इससे जो है हमें जानकारी मिलती है हम इससे जो है कि न्यूज़ देखते हैं लाइव न्यूज़ देखते हैं तो इसे यहाँ पे आपको टेलीविजन लिखना है नेक्स्ट जो है ठीक है तो ये हमें जो है कि लैपटॉप यानी इसे कंप्यूटर भी कहते सॉरी कंप्यूटर है डेस्क कंप्यूटर है डेस्कटॉप तो यहाँ पे हम कंप्यूटर लिखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि यह फैक्स मशीन इसे फैक्स किया जाता है जो है कि डॉक्यूमेंट हम फैक्स कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं देन जो है ये लैपटॉप है ठीक है इसे हम हैंडओवर कर सकते हैं कहीं भी ले जा सकते हैं और यही टेलीफोन पुराने जमाने में टेलीफोन का इस्तेमाल होता था अभी भी कोई लोग टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट जो है कि आपको ये आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं साथ में टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करके उसके फोटो जो है मुझे सेंड करने हैं तो स्टूडेंट्स साथ में जो है कि यहाँ पे हमें मोबाइल दिख रहा है यहाँ पे भी ऊपर पिक्चर्स दिया है इसे कहते हैं मोबाइल्स मोबाइल से हम क्या करते हैं एक दूसरे से बात कर सकते हैं अभी मोबाइल्स में नए नए फीचर्स आए हैं ओके स्टूडेंट्स तो ये जो सभी कम्युनिकेशंस के पिक्चर्स है उनके नाम है आपको ड्रॉ करने हैं आपके नोटबुक में साथ में ही टेक्स्ट बुक में भी आपको ये लिखने हैं अंडरस्टैंड कर लेने हैं ओके स्टूडेंट्स तो ये जो लेसन्स आज हमने देखा है मीन्स आपको कम्युनिकेशंस आपको वीडियो अच्छे से देखना है समझ लेना है देन जो है कि आप होमवर्क करोगे तो होमवर्क में उसके फोटोज निकाल के मुझे सेंड करने हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ आई एम स्टॉप हियर थैंक यू